सप्तदश अध्याय श्रीमन महाप्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर का संवाद। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर से सुदूराचारी अंतज्ञ आदि के उद्धार के उपाय की जिज्ञासा। एक दिन जब श्रीमन महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर से मिले तो उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर से पूछा, हरिदास, कलयुग में यवनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये लोग बड़े दुराचारी होते हैं तथा गाय और ब्राह्मणों से हिंसा करते हैं, अतः इन सबका कल्याण कैसे होगा? इस विषय में मैं बहुत चिंतित हूँ। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम अभास के महात्म्य का कीर्तन। श्री हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु, आप चिंता ना करें तथा ना ही इनके लिए दुखी हों। इन दुराचारी यवनों का उद्धार तो नाम अभास से अन्यास ही हो जाएगा। ये लोग तो हराम हराम बोलकर नामाभास करते हैं। भक्तजन अत्यधिक प्रेम पूर्वक जिस हराम हराम का सदैव उच्चारण करते हैं, इन यवनों का भाग्य देखिए, ये भी वही नाम उच्चारण करते हैं, इसलिए इनका भी उद्धार हो जाएगा। नामाभास का अतुलनीय प्रभाव। यद्यपि नामी के प्रति लक्ष्य न रखकर अन्य वस्तु को लक्ष्य करके नाम उच्चारण करने को नाम आभास कहते हैं, तथापि नाम आभास में नाम की शक्ति नष्ट नहीं होती है। श्री नरसिंह पुराण में कहा गया है, दंष्टि दंष्ट हातो मलेच्छो हरामेति पुना पुना उक्त्वापि मुक्तमाप्नोति किम पुना श्रद्धया गृणन। अर्थात किसी समय एक मलेच्छ पर एक जंगली शूकर अर्थात सुअर ने अपने दांतों से आक्रमण कर दिया। सुअर को देखकर उस मलेच्छ के मुख से घृणापूर्वक हराम हराम शब्द निकला तथा वह मर गया, परंतु मरते समय घृणा से हराम इस सांकेतिक राम शब्द के उच्चारण करने से ही उसका उद्धार हो गया। यहाँ पर उसने हराम भगवान के लिए नहीं किया, बल्कि उसने तो घृणापूर्वक सुअर को अस्पृश्य कहा था, परंतु भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इसका कारण है कि हराम शब्द में राम नाम के दो अक्षर रा और मा हैं, उनमें परस्पर व्यवधान कुछ नहीं है, अर्थात रा और मा ये दोनों जुड़े हुए एक दूसरे के पास स्थित हैं। इसके अतिरिक्त विशेषता यह है कि प्रेमवाचक हा शब्द यह राम के साथ संयुक्त है। सुवर के उद्देश्य से लिए गए नाम में भी भगवान का नाम आ जाने के कारण वह नाम आभास है। हरि नाम का यही अद्भुत स्वभाव है कि जिस किसी भी प्रकार से नाम लिया जाए, नाम प्रभु अवश्य ही उसका फल देते हैं। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि मरते समय अजामिल के मुख से अपने पुत्र को बुलाने के उद्देश्य से नारायण नाम निकला, जिसके प्रभाव से विष्णु दूतों ने उसे यम दूतों के चंगुल से छुड़ा लिया। श्री हरि भक्ति विलास 11:279 में पद्म पुराण के वचन उद्धृत करते हुए कहा गया है, नाम एकम यस्य वाची स्मरण पथ गतम शोतमूलम गतम वा शुद्धम वा शुद्धम वर्णम व्यविहित रहितम तारे तेव सत्यम। पद्म पुराण स्वर्गखंड 48 अध्याय। हे विप्रवर, एक हरि नाम भी जिसकी जीवा पर उदित हो जाते हैं अथवा कर्ण इंद्रियों में प्रवेश करते हैं या स्मरण पथ पर जागरूक हो जाते हैं, उसका वे नाम प्रभु अवश्य ही उद्धार करेंगे। यह नाम उच्चारण में वर्णों की शुद्धता अथवा अशुद्धता या विधि के अनुसार शुद्ध नाम उच्चारण या अशुद्ध उच्चारण आदि का महत्व नहीं, अर्थात श्री नाम इनका कुछ भी विचार नहीं करते। नाम आभास से सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति। नाम आभास हैते है सर्व पाप क्षय, नाम आभास हैते है संसार क्षय। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 3:61। नाम आभास से सब प्रकार के पाप क्षय हो जाते हैं तथा नाम आभास से ही संसार का क्षय होता है। नाम आभास से महापातक का भी नाश। तम निवर्ज्यम भज गुण निधे पावनम पावननाम श्रद्धा रजंत मितरित तरमुक्तम श्लोक मौल्यम प्रोद्धन उन्नत कर्ण कुहरे हंत य नाम भानो रसाभासो शपयति महापातक ध्वनंत राशिम। भक्ति रसामि सिंधु दक्षिण विभाग
लहरी 103। हे गुण निधे, तुम परम पावन उत्तम श्लोकों के शिरोमणि श्री कृष्ण का श्रद्धा मूलवक मति सहित अति शीघ्र अर्थात निष्कपट होकर सरल भाव से भजन करो, क्योंकि उनके नाम रूपी सूर्य का भास भी अंतकरण में उदित होने पर महापातक रूपी अंधकार को विनष्ट कर देता है। नाम आभास से मुक्ति की प्राप्ति। म्रियमानो हरेर नाम घृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगधाम किमुत्र श्रद्धया घृणन श्रीमद्भागवतम 6:2-39। पुत्र के उद्देश्य से हरिनाम ग्रहण करके अजामिल को भी जब वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, तब फिर श्रद्धापूर्वक नाम ग्रहण करने से क्या प्राप्त होगा बताया नहीं जा सकता। इस प्रकार शास्त्रों में नाम आभास से ही मुक्ति प्राप्त होने के अनेकों प्रमाण हैं। श्रीमन महाप्रभु के आनंद की वृद्धि तथा स्थावर जंगम जीवों के उद्धार के उपाय की जिज्ञासा। श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु के हृदय में बहुत आनंद हुआ। फिर भी श्रीमन महाप्रभु ने भंगी करते हुए उनसे पूछा, हरिदास, पृथ्वी पर स्थावर और जंगम चलने फिरने वाले बहुत प्रकार के जीव हैं, इन सब का उद्धार कैसे होगा? श्रील हरिदास ठाकुर का उत्तर। श्रील हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु, आपने कृपा पूर्वक उनके उद्धार का उपाय पहले से ही स्थिर कर रखा है। आपने उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन की जो विधि प्रचलित की है, उससे भगवान का नाम श्रवण कर स्थावर और जंगम सभी का संसार बंधन नष्ट हो जाएगा। जंगम अर्थात जो मनुष्य पशु पक्षी आदि हैं, उच्च नाम को सुनते ही उनका संसार बंधन क्षय हो जाता है। स्थावर अर्थात वृक्ष आदियों के साथ जाकर जब वह उच्च नाम संकीर्तन ध्वनि टकराती है तो उनसे भी प्रतिध्वनि निकला करती है। वास्तव में वह प्रतिध्वनि नहीं होती, अपितु उनका अनुकीर्तन होता है। आपकी ही कृपा से ये असंभव लगने वाली बात संभव होती है, अर्थात ना बोल पाने वाले स्थावर भी नाम कीर्तन करते हैं। समस्त जगत में जहाँ कहीं भी उच्च स्वर से नाम संकीर्तन होता है, उसे सुनकर वहाँ के स्थावर और जंगम प्रेम आवेश से नृत्य करने लगते हैं। वृंदावन जाते समय आपने स्वयं उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करके झारीखंड में पशु पक्षी सर्प इत्यादि सभी से हरिनाम करवाकर उनका उद्धार किया। ये सब वृत्तांत मैंने बलभद्र भट्टाचार्य के मुख से श्रवण किया है। श्री वासुदेव दत्त ने जब जीवों के लिए आपसे प्रार्थना की थी, अर्थात जब उन्होंने कहा था कि मुझे ही समस्त जीवों के पापों का फल दे दीजिए और समस्त जीवों का उद्धार कर दीजिए, मैं ही सब जीवों के बदले नरक यातना को भोग करूंगा, तब आपने उन्हें समस्त जीवों की पाप यातना को भोग ना कराकर केवल उनकी इच्छानुसार समस्त जीवों के उद्धार कर देने की उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। शिला हरिदास ठाकुर के द्वारा जगत गुरु आचार्य के रूप में नाम प्रेम प्रचारक के द्वारा प्रभु की जीवोद्धार लीला के रहस्य का उद्घाटन। हे प्रभु, जगत का उद्धार करने के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। आपने भक्त भाव अंगीकार करके सभी को भजन की शिक्षा देकर सभी के उद्धार का पथ स्वयं स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किया है। अतः आपने उच्च स्वर से नाम संकीर्तन का प्रचार कर सभी जीवों का माया बंधन काट दिया है। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा सभी जीवों के मुक्ति प्राप्त करने के बाद ब्रह्मांड की स्थिति के विषय में जिज्ञासा। ऐसा सुनकर श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास, जब सभी जीव ही मुक्त हो जाएंगे तब तो यह ब्रह्मांड जीव शून्य हो जाएगा। श्रील हरिदास ठाकुर का उत्तर। श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, जब तक आप इस जगत में रहेंगे तब तक यहाँ पर वास करने वाले स्थावर जंगम सब प्रकार की जीवों को मुक्त करके आप उन्हें वैकुंठ भेज देंगे तथा अनंत सूक्ष्म जीवों को कर्म क्षेत्र में पुनः उद्बुद्ध करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मांड समूह पुनः जीवों द्वारा परिपूर्ण हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्णचंद्र की जीव उद्धार लीला का दृष्टांत। जिस प्रकार पहले भगवान श्री रामचंद्र सभी अयोध्या वासियों को साथ लेकर वैकुंठ गए तथा अन्य जीवों के द्वारा पुनः अयोध्या को भर दिया, आपने भी अवतरित होकर इस प्रकार का हाट अर्थात बाजार खोला है।
आपके गुण भाव को कौन समझ सकता है। पहले श्री कृष्ण ने भी ब्रज में अवतीर्ण होकर समस्त ब्रह्मांड के जीवों का संसार बंधन खोलकर उन्हें मुक्त कर दिया था। न चैवम विस्मय कार्य भवता भगवत तजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यथा एतद् विमुच्यते। श्रीमद् भागवतम 10:29-16। जिनसे ये समस्त चराचर जगत मुक्ति प्राप्त करता है, योगेश्वर के भी ईश्वर, जन्म आदि रहित उन श्री कृष्ण के कार्यों के प्रति किसी प्रकार के विस्मय को प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अयम ही भगवान दृष्टः कीर्तिता संस्मृत्यश्च देश अनुबंधन अखिल सुरा सुर आदि दुर्लभम फलम प्रयच्छति किमुत सम्यक भक्तिम ताम इति। श्री विष्णु पुराण 4:15-17 चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला 3:84। भगवान देश पूर्वक दर्शन करने वाले, कीर्तन करने वाले तथा स्मरण करने वालों को ही जब सुर असुरों के लिए भी दुर्लभ फल प्रदान करते हैं, तब फिर प्रेम पूर्वक भक्ति करने वालों के संबंध में क्या कहा जाए। जिस प्रकार श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्णचंद्र ने जगत में अवतीर्ण होकर जगत के समस्त जीवों का निस्तार कर दिया था, उसी प्रकार आपने भी श्री नवदीप में अवतरित होकर समस्त ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार कर दिया है। श्रीला हरिदास ठाकुर का दैन्य, जे कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर है से जानुक मोर पुना एत निश्चय तुम्हार जे लीला महा अमृत रसिंदु मोर मनो गोचर नहे तार एक बिंदु। चैतन्य चेतामित अंत्य लीला 3:86-87। यदि कोई मुझसे कहे कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा जानता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई तुम जानते हो जानो, परंतु मेरा तो यही निश्चय है कि हे प्रभु, आपकी लीला ऐसा महाअमृत का अपार सिंधु है जिसका एक बिंदु भी मेरे मन के गोचर नहीं है। भक्तों के भगवान की लीला के रहस्य को उद्घाटन करने के सामर्थ्य को देखकर भगवान भी विस्मित। श्रील हरिदास ठाकुर के इन वचनों को सुनकर श्रीमन महाप्रभु का मन चमत्कृत हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरी गूढ़ लीला के विषय में हरिदास कैसे जान गया। श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति अत्यधिक संतुष्ट होने के कारण श्रीमन महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया तथा उन्हें इन सब बातों को प्रकाशित करने के लिए मना किया। ईश्वर का यह स्वभाव है कि वे अपने ऐश्वर्य को छिपाना चाहते हैं, किंतु उनकी महिमा भक्तों से छिपी नहीं रह सकती, उन्हें विदित हो ही जाती है। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा हरिदास ठाकुर की प्रशंसा। श्रीला हरिदास ठाकुर की कुटी से लौटने के बाद श्रीमन महाप्रभु सैकड़ों मुख से अपने भक्तों के निकट श्रीला हरिदास ठाकुर के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्रीमन महाप्रभु को भक्तों के गुणगान करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, और फिर श्रीला हरिदास ठाकुर तो भक्तों में भी श्रेष्ठ भक्त हैं। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरचित श्री चैतन्य चेतामृत में लिखते हैं, हरिदासेर गुणगान असंख्य अपार के कौन अंशे वर्णी ना पाए पार। चैतन्य चेतामृत अंत्य लीला 3:94। श्रीला हरिदास ठाकुर के गुण असंख्य और अपार हैं। जो भी कोई इनका वर्णन करता है, वह उनके आंशिक गुणों का ही वर्णन कर पाता है, उनके गुणों की महिमा का कोई भी पार नहीं पा सकता है।